हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आ गया हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, जिसमें एक यूज़र है, सब्सक्राइबर, उन्होंने मुझसे पूछा है कि गेम आईडी को कैसे ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे मोबाइल पर, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टायर टू टूर्नामेंट जो है वो आज ख़त्म हो गया, तो जिसको जितना रिवार्ड मिलना था वो मिल चुका होगा। बहुत सारे जेम्स मिले होंगे, मॉड्यूल्स मिले होंगे, रेंच मिले होंगे, कंटेनर भी आपने ओपन किया होगा, तो जिसकी मदद से आप अपने एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट डिवाइस को अपडेट भी कर पाएंगे, ठीक है, और नए एयरक्राफ्ट को परचेज भी कर पाएंगे जेम्स की मदद से। तो जो क्वेश्चन है कि अपने हम गेम को दूसरे मोबाइल में कैसे ट्रांसफ़र करें गेम आईडी को, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले आप गूगल प्ले गेम को डाउनलोड करिए। एक एप्लीकेशन है गूगल प्ले गेम, अगर आप गूगल का यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है, उस पर आप अपनी आईडी जब जनरेट कर लेंगे, तो जब भी आप 1945 एयरफोर्स गेम को ओपन करेंगे तो आप जो है एबल होंगे अपनी आईडी को ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। जैसे आप इस मोबाइल पर खेल रहे हैं और आपको दूसरे मोबाइल पर लॉगिन करना है 1945 एयरफोर्स गेम को, तो वहाँ पर जो आपका दूसरा मोबाइल है उस मोबाइल पर गूगल प्ले गेम की आईडी को पहले डालकर लॉगिन कर लें, ठीक है, और जो पुराने मोबाइल पर चल रहा है वहाँ पर भी लॉगिन कर लें। यहाँ पर जो है आपका ये जो 1945 एयरफोर्स गेम है वो उस गूगल प्ले गेम की आईडी से श्रिंक कर जाएगा, जिसके बाद जब आप अपने नए मोबाइल पर गूगल प्ले गेम की आईडी डालेंगे और 1945 एयरफोर्स गेम को डाउनलोड करने के बाद यूज़ करेंगे, तो जो आपका लेवल यहाँ पर है, जिस तरीके से आप इस जिस लेवल पर भी खेल रहे होंगे, वो वहाँ पर गूगल प्ले गेम की आईडी पर ओपन हो जाएगा, जिसकी मदद से आपको अपने गेम का जो डेटा है वो लॉस नहीं होगा और उसका आप यूज़ अच्छे से कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आप किसी ओल्ड मोबाइल पर, मैं मान लेते हैं 1945 एयरफोर्स गेम या कोई भी गेम खेल रहे हैं, अगर वो गेम जो है गूगल प्ले गेम आईडी को सपोर्ट करता है, लॉगिन हो सकता है, तो वहाँ पर अगर आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप बहुत इजीली उसे दूसरे मोबाइल पर डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपका गेम वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से आप अपने पुराने मोबाइल पर बंद किए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको केवल गूगल प्ले गेम आईडी को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और उसके बाद आप उसको वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल लिब्रेशन डे ऑफ कोरिया जो है चल ही रहा है, टायर 3 टूर्नामेंट भी स्टार्ट होने वाला है, तो जिसके पास टायर 3 एयरक्राफ्ट है वो इसको प्ले कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवॉर्ड भी पा सकता है। तो जैसे आपकी भी कोई क्वेरी हो तो आप भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा, जैसे मैंने इस क्वेश्चन का जवाब आपको दे दिया है, ठीक है। और अच्छे से गेम को खेलते रहिए, अपग्रेड करते रहिए। अभी एक यूज़र है, उन्होंने ये कहा कि उनके पास टायर 2 टूर्नामेंट के स्टार 5 लेवल का एयरक्राफ्ट है और वो जाके स्टक हो गए हैं 131-132 लेवल पर, ठीक है, वो वहाँ से उसको पार नहीं कर पा रहे, उनको दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो बहुत से ऐसे एयरक्राफ्ट हैं या ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं कि उस लेवल का आपका एयरक्राफ्ट अपग्रेड नहीं होगा जिस लेवल पे आप उस कैंपेन मिशन को खेल रहे हैं। जैसे सिंगल प्लेयर कैंपेन मिशन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है 131-132, ठीक है। तो मैं अभी क्या है, मैं इसको खेलता हूँ टायर 2 मैक्सिमम लेवल के एयरक्राफ्ट के साथ, विंगमैन भी मैक्सिमम लेवल का है और डिवाइस भी मैक्सिमम लेवल का है, तो मैं ईजिली इसको बीट करने में आसानी होती है। लेकिन अगर अभी आपका टायर 2 टूर्नामेंट स्टार 1, स्टार 2, स्टार 3, स्टार 4 लेवल का है, तो उसकी जो पावर होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि जिसकी मदद से आप उस लेवल को ईजिली पार कर पाएँ, ठीक है। तो आप टायर 1 के जो एयरक्राफ्ट विंगमैन डिवाइस है स्टार 10 लेवल का, आप उससे भी खेलेंगे तो आप उसको ईजिली पार कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि स्टार 3, स्टार 4 या स्टार 5 का अगर एयरक्राफ्ट है टायर 2 का, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ओपन अभी नहीं हुई होती हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम क्लिक करें, इन्फो में जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कस्टम गियर में यहाँ पर नीचे शो कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे स्टार आपका बढ़ता जाता है, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्टार 1 पर ये अनलॉक होता है, स्टार 3 पर ये अनलॉक होता है, स्टार 5 पर ये होता है, स्टार 7 पर हेल्थ होता है, फ्रैगमेंट आर्मर, ठीक है, उसके बाद फ्यूजल आर्मर होता है स्टार 1 पर, और स्टार 9 पर होता है रियर विंग आर्मर, ठीक है। तो ये सब आर्मर जो है वो भी एक्टिवेट होते हैं जैसे जैसे आपका स्टार लेवल इंक्रीज़ करता जाता है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे कि उनका 131-132 में एपेन मिशन चल रहा है और वो अपने स्टार 4 या 5 टायर 2 के एयरक्राफ्ट से उसको पार करने में
उन्हें दिक्कतें आ रही हैं। तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए कि पार करने के लिए एयरक्राफ्ट की पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए। स्टार 4 स्टार 5 लेवल पर इतने ज़्यादा कस्टम गियर ओपन नहीं होते हैं जिनसे आपको मदद मिल सके और अपने मिशन को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं तब तक दूसरे वीडियो में। थैंक यू।